माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरने मुकदस का नज़ुल इसी मुक़दस महीने में हुआ रमज़ान का पहला अशर रहमत दूसरा अशरा मगफरत और तीसरा अशर जहन्नम की आग से निजात का है रमज़ान का चाद नजर आता तो हजूर पाकसला फरमाते यह चानद खैर बरकत का है यह चाँद खैर बरकत का है मैं उस जात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया दुनिया भर के मुसलमान मुबारक के इस्तबाल की तैयारी कर रहे हैं इस हवाले से ज्यादातर इस्लामी ममालिक में दस मार्च बरोज़ इतवार को मुकदस महीने का चांद नज़र आने का इम्कान है बैनल फलकियाती मरक़ का कहना है कि दस मार्च को सुबह नौ बजे चांद की पैदाइश होगी इस्लामी मुमालक के तकरीबन तमाम ख़ितों में सूरज ग्रूब के बाद चांद के दिखने का मुकम्मल इम्कान है इस पेशन गोई के साथ ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में पीर ग्यारह मार्च को रमज़ान का आगाज़ होगा ताहम इस बात का भी इम्कान है कि कुछ खितों में दस मार्च को चांद नज़र नहीं आएगा जिसकी बुनियाद पर साइंसी तहकीक में मरियत के मुख्तलिफ मैार बयान किए गए हैं मुतद स्कॉलर्स और फल्कयाती रसदगाहों जैसे साओ और महकिकीन यालूब और अहदे के मुताबिक दस मार्च को पूरे अरब और इस्लामी दुनिया में चांद आँख या टेलीस्कोप के इस्तेमाल से नज़र नहीं आएगा ताहम टेलीस्कोप के इस्तेमाल से अमेरिका के कुछ हिस्सों खास तौर पर मगरबी इलाकों में चांद को नज़र आने में मदद मिल सकती है इस्लामी दुनिया के जिन ममालिक में चांद देखना लाजमी करार दिया गया है उनमें रमज़ान का आगाज़ बारह मार्च बरोज़े मंगल से होने का इम्कान है